ये मूवी थ्रिल और मिस्ट्री से भरी हुई है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस मूवी में हमें दिखाया गया एक लड़की जो कि मरने के बाद भूत बनकर रोज अपने घर पर आती है और उसका किलर उसी की बिल्डिंग में रहता है। क्या ये लोग उसको पकड़ पाएंगे? कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कहानी की शुरुआत में हम यूसुन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि छुट्टी के बाद अपने स्कूल के बाहर खड़ी अपनी मॉम को कॉल करके बुला रही है। उसकी मॉम किसी रीजन से इसे लेने नहीं आ पाती है। ये चल के घर जाने लगती है, तभी इसके पास एक कार आकर रुकती है और ये उसमें बैठ जाती है। उसके बाद हमें इसके घर का सीन दिखाया जाता है। यूसुन अपने घर पर आई हुई है और बहुत ही ज्यादा गंदी हालत हुई है इसकी, कपड़े भी गीले हो गए हैं इसके, और यहाँ पर इसकी मॉम इसको देखकर डर जाती है और यूसुन चुपचाप से अपने रूम में चली जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यूसुन की मौत 8 से 10 दिन पहले ही हो गई थी और ये जो भी हमने देखा है वो उसका भूत था जो घर में आया था। फिर हम आ जाते हैं कुछ दिन पहले पास्ट में और हम देखते हैं एक बैग शॉप ओनर को जो कि टीवी में न्यूज देख रहा है और जहाँ पर यूसुन की डेड बॉडी को दिखाया जा रहा है कि किसी ने उसको मार कर एक बैग में भर कर फेंक दिया है। शॉप ओनर पहचान जाता है कि ये बैग उसी की दुकान से खरीदा गया था। फिर यहाँ से स्टोरी जाती है 10 दिन और पहले, जहाँ हम किलर को देखते हैं जो बैग खरीदने आया हुआ है इसी की दुकान पर, और ये बैग खरीद कर घर लेकर जाता है और यहाँ पर एक पिज्जा मंगवाता है और वहीं बेसमेंट में उसने यूसुन को पकड़ के रखा है और ये उसको पिज्जा खिलाता है और फिर मार देता है। और उसी दौरान हम एक दूसरी लड़की को देखते हैं जो कि यूसुन जैसी ही दिखती है, मतलब दोनों की शक्ल बिल्कुल सेम है, पर इस लड़की का नाम सोयुन है और ये लड़की जो है इस अपार्टमेंट की हेड की बेटी है। यहाँ पर मैं जितने भी कैरेक्टर आप लोगों को बताऊंगा वो कोई भी फालतू का नहीं होगा, सबका कुछ ना कुछ इसमें रोल है बहुत ही बड़ा। और अब हम आ जाते हैं वहीं पर जहाँ बैग ओनर टीवी देख रहा था। यहाँ पर पुलिस को कॉल करने की ये कोशिश करता है और बताने की कि ये बैग मेरी दुकान का है और जो खरीद कर ले गया था उसको मैं जानता हूँ, पर इसकी वाइफ ऐसा करने से मना करती है, वो नहीं चाहती कि ये पुलिस के लफड़े में फंसे। अब हम आ जाते हैं बिल्कुल प्रेजेंट डे में और हम यहाँ पर देखते हैं एक पिज्जा गाय को जो न्यूज से पता करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर किलर कौन है। यहाँ पर इसको एक चीज पता चलती है कि किलर जो है वो 10 दिनों का गैप ले लेकर लोगों को मारता है और इसे याद आता है कि एक घर है जहाँ पर 10-10 दिनों का गैप लेकर ही इसको पिज्जा डिलीवरी का ऑर्डर भी आता है। तो ये थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि हो सकता है जो पिज्जा मंगाता है वही किलर हो। और वहीं दूसरी तरफ हम यूसुन की मॉम को देखते हैं जो कि डरी हुई है क्योंकि आज भी यूसुन का भूत आने ही वाला है। यूसुन के फादर को इन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उनको बिल्कुल भरोसा नहीं कि उनकी बेटी मरने के बाद भूत बनकर भी आ सकती है। फिर हम देखते हैं उस बिल्डिंग में रहने वाले एक मेंबर को जो मारपीट करके पैसे निकलवाने का काम करता है। सीधी भाषा में बोलूं तो ये एक तरह से गुंडा है और पुलिस इसके ऊपर ही शक करती है जितने भी ये खून हो रहे हैं उन सबका। इसका नाम युकमो है। ये किलर के घर जाता है और उसे अपनी कार हटाने को कहता है क्योंकि किलर ने कार गलत जगह पार्क करके रखी है। और उसी दौरान हम बिल्डिंग के एक गार्ड को देखते हैं जो ये पता कर रहा है कि बिल्डिंग के बाहर यानी कि नीचे कूड़ा कौन फेंक कर जा रहा है बार बार। उसी में एक पर्ची निकलती है और उस पर्ची को लेकर ये उस रूम तक पहुंच जाता है और यहाँ पर ये रूम उसी किलर का है और उसी किलर ने ही वो नीचे कूड़ा फेंका था। गार्ड किलर से कहता है कि मुझे शराब पिला दो, मैं तुम्हारी शिकायत बिल्डिंग हेड को नहीं करूंगा कि तुम नीचे कूड़ा फेंकते हो। किलर इसे जाने को कहता है क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं था। गार्ड कूड़ा खोलकर देखने लगता है और उस कूड़े में से यूसुन की यूनिफॉर्म यानी कि ड्रेस बाहर निकल जाती है। अब गार्ड यहाँ पर समझ जाता है कि इसी ने यूसुन को निपटाया होगा और फिर किलर गार्ड को भी मार देता है यहाँ पर, क्योंकि गार्ड को इसीलिए पता चल गई थी। यूसुन की मॉम वहीं से ऊपर जा रही होती है तभी उन्हें रेड रेड कुछ दिखता है और किलर रेड वाइन की बोतल फोड़ कर दिखाता है कि यह ब्लड नहीं बल्कि रेड वाइन है। अब गार्ड ऑफिस में दूसरा गार्ड इसे ढूंढ रहा है। यहाँ घर पे आज फिर से यूसुन का भूत आया हुआ है। यहाँ आज फिर से घर पर यूनसु का भूत आया हुआ है और उसके नजरिए से हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है कि आखिर हुआ गया था। जब यूनसु उस किलर की कार में बैठी थी जब इसकी मॉम इसको नहीं लेने आई थी, उसके बाद ये इसको यहीं पर बिल्डिंग में लेकर आया था। ये जो ऊपर जाने लग गई तो उसने बोला क्या तुम बॉक्स पकड़ोगे, मुझे अपने घर का गेट खोलना है। यूसुन ने जब उसकी मदद की तो उसने इसको अंदर खींच लिया और उसके बाद कुछ दिनों तक पकड़ के रखा, पिज्जा खिलाया और मार दिया जो कि हम देख चुके हैं। वहीं पर हम कुछ सीन सोयुन के भी देखते हैं और पिज्जा गाय के भी हमें कुछ सीन दिखाए जाते हैं जो कि ये पता करने की कोशिश कर रहा है कि खूनी किलर आखिर है कौन और इसको किलर पर बिल्कुल ही शक हो चुका है। यहाँ अगले दिन किलर अब न्यू बैग खरीदने गया हुआ है क्योंकि ये उस बैग में अब गार्ड को फेंकेगा। यहाँ पर जो शॉप का ओनर है ये डर जाता है क्योंकि इसको पता है कि इसने पक्का किसी को निपटाया है तभी ये बैग खरीदने आया है। इन दोनों की हरकतें देखकर दोनों को पता चल जाता है कि दोनों को एक दूसरे की सच्चाई पता है,
पर यहाँ पर एक दूसरे को कोई कुछ नहीं कहता और अनजान बनते हैं और चुपचाप बैग खरीद कर ये यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर बिल्डिंग हेड यानी सुयुन की मोम जो होती है वो गार्ड से पूछ रही है कि दूसरा वाला गार्ड कहाँ है और बिल्डिंग में इतना ज्यादा पानी कैसे खत्म हो रहा है। वहीं गार्ड के ऑफिस में हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि हमेशा वहीं बैठा रहता है और ये एक भूत है जिसे गार्ड ने कुछ टाइम पहले मार दिया था और इसकी आत्मा हमेशा इस गार्ड के साथ घूमती रहती है क्योंकि इसको मुक्ति नहीं मिली है। वहीं एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि युनसु की मॉम उस दिन स्कूल आ रही थी उसे लेने के लिए। इन्होंने क्योंकि एक नई कार खरीदी थी और वही दिखाने के लिए आ रही थी, पर रास्ते में छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से ये नहीं पहुंच पाई थी वहां पे और उसके बाद बेचारी युनसु को किलर उठा कर ले गया। अब यहाँ पर किलर गार्ड की बॉडी को बैग में रख रहा है, तभी बाहर बिल्डिंग हेड आ जाती है चेक करने के लिए क्योंकि किलर यहाँ से जाने वाला है, उसने अपना सामान भी पैक कर लिया है। घर की हालत देख कर इन्हें बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। किलर इन्हें भी मारने की कोशिश करता है पर ये किसी से बात कर रही होती है कॉल पर और उसको बता देती है कि मैं इस रूम नंबर में हूँ। किलर रुक जाता है क्योंकि अगर ये इनको मारता है तो रूम नंबर ये किसी को बता चुकी हैं, अगर चेकिंग होती है तो ये पकड़ा जाएगा। यही बाहर सुयुन सबको ब्लॉक मीटिंग के लिए पेपर बांट रही है, तभी उसे बाहर गार्ड का चश्मा मिलता है, उस वाले गार्ड का जो मर चुका है। वो चश्मा लेकर जब युनसु यहाँ से जा रही होती है तो वो सुयुन की मोम से टकरा जाती है। इसकी मोम इसको देखकर डर जाती है कि मेरी बेटी का भूत पहले रात को आया करता था अब दिन में कैसे आने लग गया। पर यहाँ पर ये उसका नाम पढ़ती है जो कि इनकी यूनिफॉर्म पर लिखा होता है तो इनको समझ आ जाता है कि ये कोई और लड़की है जो कि दिखती मेरी बेटी जैसी है बिल्कुल। अब इसे किलर भी देख लेता है यहीं पर और वो भी घबरा जाता है कि आखिरकार जिंदा कैसे है। यहाँ पर सुयुन चश्मा लेकर गार्ड के पास जाती है और उसे बता देती है कि मुझे ये यहाँ से मिला है। गार्ड भी अब चश्मे को लेकर और उसे शक तो पहले से ही था और उसके पास एक बहाना भी होता है कि पानी कहाँ पर जा रहा है यानी कि बहुत ज्यादा पानी खपत हो रहा है बिल्डिंग के अंदर, तो ये किलर के घर पहुंच जाता है चेकिंग करने के लिए। पूरा घर चेक करता है, इसको शक है कि इसी ने कुछ किया है और फिर ये बेसमेंट में जाता है जहाँ पर इसको ब्लड और बहुत सारे बाल मिलते हैं और ये समझ जाता है कि इसी ने गार्ड को निपटा दिया है। अब यहाँ पर किलर इसके ऊपर भी अटैक करने की सोचता है और ये भी यहाँ से अपना हथियार तैयार कर लेता है। एक तरह से देखें तो ये दोनों ही खूनी है, तो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं पर दोनों एक दूसरे से अनजान भी बनते हैं और किलर इसको कुछ नहीं कहता क्योंकि उसको पता है कि अगर ये मारेगा तो वो भी उल्टा जवाब देगा क्योंकि वो भी एक तरह का किलर है। और गार्ड यहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब गार्ड को अच्छे तरीके से पता चल गया है कि ये सब कांड जो है वो कौन कर रहा है और वहीं बाहर युकमो किलर को खूब मारता है क्योंकि किलर ने फिर से अपनी कार गलत पार्क कर दी थी। अब किलर यहाँ से भागने के चक्कर में पड़ जाता है क्योंकि उसका भांडा फूटने वाला है, पर उससे पहले वो उस बैग शॉप ओनर को मारना चाहता है क्योंकि उसको इसकी सच्चाई पता है। अब जहाँ पर ये उसको किडनैप कर लेता है, अब हम यहाँ सोचेंगे कि वो गार्ड को भी तो पता है किलर के बारे में तो ये उसको क्यों नहीं मारता, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि किलर गार्ड को इसीलिए नहीं मारता क्योंकि गार्ड भी एक खूनी है और वो खुद पुलिस के पास कभी नहीं जाएगा क्योंकि वो खुद क्राइम करके भागा हुआ है। दूसरी तरफ आज फिर से युनसु का भूत अपने घर आया हुआ है और यहाँ पर इस बार इसकी मोम डरने की बजाय उसको हक कर लेती है। अब यहाँ से स्टोरी हो जाती है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग क्योंकि एक साथ बहुत सारे सीन चलते हुए हमें नजर आते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले पिज्जा गाय को जो अब किलर पर नजर रखने लगा है क्योंकि इसको शक है उसके ऊपर। गार्ड उसे वहां से भगा देता है क्योंकि गार्ड को पता है कि अगर किलर ने इसको देख लिया तो वो इसको साफ निपटा देगा। वही हम बाहर किलर को देखते हैं जो गुस्से में है और युकमो को बाहर लड़ने के लिए बुलाता है। यहाँ पर युकमो आता है और ये तो है बॉडी बिल्डर और इसको ये पटक पटक के बहुत मारता है और एक रोड से अच्छे तरीके से इसकी धुनाई कर देता है। और यहाँ पर किलर हंसता है क्योंकि वो ये रोड ले जाकर इसी रोड से बैग शॉप ओनर को मारेगा और इसके ऊपर फिंगरप्रिंट किसके हैं युकमो को, तो फंसेगा भी वही। इसका प्लान काफी ज्यादा अच्छा था। अब किलर का अगला टारगेट जो है वो सुयुन है क्योंकि उससे ये युनसु समझ रहा है। और दूसरी तरफ पुलिस ने युकमो को उठा लिया क्योंकि इसके एक रिलेटिव ने कम्प्लेन कर दिया है कि इसने उसको बहुत बुरी तरह से मारा था। और गार्ड भी अब सामान पैक करके यहाँ से भागने की तैयारी में क्योंकि वो किलर से पंगे नहीं लेना चाहता है। अब हो जाती है रात और सुयुन अपनी मोम का वेट कर रही होती है स्कूल के बाहर जैसे एक टाइम पर युनसु किया करती थी। सुयुन की मोम तो नहीं आती क्योंकि वो मीटिंग में बिजी है, इसलिए युनसु की मोम यहाँ पर आ जाती है क्योंकि वो अपनी बेटी को तो बचा नहीं पाई तो इसी को बचा ले। और वहीं पर किलर भी आया हुआ है कार लेकर अपनी इसको किडनैप करने के लिए। पूरी सिटी की लाइट एकदम से चली जाती है, युकमो इस बात का फायदा उठाता है और अंधेरे में पुलिस स्टेशन से भाग जाता है। और यहाँ पर गार्ड भी उस बिल्डिंग में आ गया है क्योंकि गार्ड को पता चल गया है कि किलर उसको मारने वाला है यानी कि युनसु को, और वो इसको बचाना चाहता है। अब ये आकर उसकी मोम से पूछता है
कि वो कहाँ पर है। इसकी मम कहती है वो तो स्कूल में होगी, और यहाँ पर गार्ड को पक्का यकीन हो जाता है कि किलर ने अब तक उसको उठा लिया होगा। वो रोने लग जाता है, पर हम यहाँ पर देखते हैं कि सुयुन की मम ने युनसु को बचा लिया है। यहाँ पर बैग शॉप ओनर खुद को खोल लेता है और यहीं से कॉल कर देता है पिज्जा गाय को, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। पिज्जा गाय भी बहुत तेजी से बिल्डिंग की तरफ पड़ता है। यहाँ अब सभी बिल्डिंग की तरफ भागते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पर किलर भी किडनैप तो कर नहीं पाया युनसु को, इसलिए वो भी बिल्डिंग में वापस आ जाता है। बस फिर क्या था, सारे इसको पकड़ लेते हैं और मिलकर खूब मारते हैं। गार्ड जब बेसमेंट में आकर देखता है तो यहाँ पर सुयुन की बॉडी पड़ी होती है, और ये देखकर ये किलर को जान से मार देता है गुस्से में, क्योंकि इसको लगता है कि किलर ने इसको मार दिया है। फिर हमें पता चलता है कि ये बॉडी सुयुन की नहीं बल्कि उस गार्ड वाले भूत की थी जो इसके साथ रहा करता था, और इसने गार्ड को बेवकूफ बनाकर एक तरह से किलर का खून करवा दिया है। अब यहाँ पर पुलिस आती है और मामला ठीक होने लगता है। सुयुन की मोम बहुत ज्यादा रो रही है क्योंकि उनकी बेटी अभी तक नहीं आई, पर थोड़ी देर बाद युनसु की मोम उसको लेकर यहाँ पर आ जाती है, और इसकी मोम अपनी बेटी को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। यही हम दूर गार्ड को देख सकते हैं जो कि युनसु को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश है, और यहाँ से अपना बैग लेकर वो चला जाता है। यहाँ पर मूवी के एंड में हमें एक सीन दिखाया जाता है शॉप ओनर का, जो बैठा हुआ है और अपनी वाइफ से बातें कर रहा है। वो कहता है कि किलर ने मुझे मारा क्यों नहीं, वो पूरे घर को छोड़कर रात को मेरे साथ बेसमेंट में सोया करता था पता नहीं क्यों। और इसका जवाब हमें मूवी के बिल्कुल एंड में मिलता है कि जैसे कि युनसु का भूत अपनी मोम के पास जाया करता था, वैसे ही युनसु का भूत इस किलर के पास भी आता था इसको डराने के लिए, और ये काफी डर जाता था, इसलिए ये किसी को किडनैप करता था तो मारता नहीं था। थोड़े दिनों तक ये उसके साथ रहता था और अपना डर कम कर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए।